मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस 9E। सेल्फ प्रैक्टिस 9D हमने कल कंप्लीट की, जिसमें हमने मनी के सब्ट्रैक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस 9E, जिसमें हम मनी को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 है मल्टीप्लाई। इसमें सिंपल हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, मनी को मल्टीप्लाई करना है, जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं ठीक वैसे ही। 4 8 32, 32 का 2, 3 कैरी। 4 3 12, 12 और 3 15, 1 कैरी। अब क्योंकि यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम भी पहले 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तब नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे। 4 8 32, 32 and 1, 33। और जो ये रुपीस का साइन यहाँ है, यही साइन यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह करना है। पॉइंट कहाँ लगाना है ये ध्यान रखना है, और रुपीस का सिंबल कहाँ लगाना है ये ध्यान रखना है। ठीक है, 5 6 30, 30 का 0 कैरी 3। 5 9 45, 45 and 3 48 कैरी 4। 5 6 30, 30 and 4 34। इसके पहले क्या करना है, हमें पॉइंट लगाना है। 5 6 30, 30 and 4 34, 34 का 4 कैरी 3। 5 2 10, 10 and 3 13। एंड नाउ ये रुपीस का सिंबल आंसर में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 4 16, 16 का 6 कैरी 1। 4 9 36, 36 and 1 37 कैरी 3। अब पॉइंट लगाएंगे पहले 2 डिजिट्स के बाद। 4 6 24, 24 and 3 27, 27 का 7 कैरी 2। 4 5 20, 20 and 2 22। और ये रुपीस का सिंबल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 ब्लॉक्स ऑफ 100 ग्राम बटर इफ 1 ब्लॉक ऑफ 100 ग्राम बटर कॉस्ट रुपीज 28.25। क्या कहा है कि अगर 100 ग्राम के एक ब्लॉक जो बटर है, जो बटर देखा है ना आपने, कई साइज में आता है, एकदम बड़ा भी आता है ब्रिक साइज में, एक उससे छोटा आता है, एक बिल्कुल छोटा सा आता है, है ना। तो अलग अलग साइज़ के, अलग अलग वेट के बटर के ब्लॉक्स आते हैं। तो एक 100 ग्राम का जो बटर का कॉस्ट ब्लॉक है, उसका कॉस्ट है 28 रुपीज़ 25 पैसा। तो अगर 100 ग्राम का इतना कॉस्ट है 1 ब्लॉक का, तो 5 ब्लॉक्स का कितना होगा। तो जो कॉस्ट दिया हुआ है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 ब्लॉक ऑफ बटर इज इक्वल टू रुपीज 28.25। देयरफोर कॉस्ट ऑफ 5 ब्लॉक्स ऑफ बटर इज इक्वल टू रुपीज 28.25 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम, रुपीज 28.25 मल्टीप्लाइड बाय 5। 5 5 जा 25 कैरी 2। 5 2 जा 10 and 2 12। 12 का 2 कैरी 1 पॉइंट। 5 8 जा 40, 40 and 1 41 कैरी 4। 5 2 जा 10, 10 and 4 14। एंड रुपीस का सिंबल। ओके, तो 141.25 तो हो जाएगा रुपीस 141.25। आंसर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 ब्लॉक्स ऑफ बटर इज रुपीज़
141.25. Okay. Now third question. Rina buys 4 ice cream cones costing ₹46.75 each. How much money does she pay now to the ice cream vendor? रीमा ने 4 आइसक्रीम खरीदी हैं, जिसमें से एक का कॉस्ट है ₹46.75 ईच. ठीक है, ईच का मतलब एक का कॉस्ट. अगर उसने 4 आइसक्रीम खरीदी है और हर आइसक्रीम ₹46.75 की है, इसका मतलब एक आइसक्रीम ₹46.75 की है. हाउ मच मनी डज शी पे नाउ टू द आइसक्रीम वेंडर. के अगर एक आइसक्रीम की कॉस्ट ये है तो उसने वेंडर को 4 आइसक्रीम के लिए कितने पैसे दिए हैं. क्या करेंगे हम, जो एक आइसक्रीम की कॉस्ट हमें दी हुई है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 4 आइसक्रीम्स की कॉस्ट कितनी होगी. कॉस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम इज इक्वल टू ₹46.75. देयरफॉर cost of 4 ice cream is equal to ₹46.75 multiplied by 4. यहाँ multiply करते हैं ₹46.75 multiplied by 4. 4 5 जा 20, carry 2, 4 7 जा 28, 28 and 2 30, 30 का 0, carry 3, point, 4, 6 जा 24, 24 and 3, 27, carry 2, 4, 4 जा 16, 16 and 2, 18, तो उसने वेंडर को कितने रुपीस दिए, ₹187.00, आंसर लिखेंगे, रीना, पे रुपीज 187 टू द आइसक्रीम वेंडर. ठीक है, तो बस इतना सा ही काम है. सेल्फ प्रैक्टिस 9E का, इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे.